इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान जगे, लक्ष्मण भैया भगवान प्रातर विधि से निवृत्त हुए, गुरुदेव भगवान पूजन करेंगे। एतदर्थ तुलसी दल बिल्व पत्र पुष्प लेने के लिए प्रभु भैया जनक जी की योग वाटिका में पधारे। मानस में तीन वाटिकाओं की चर्चा है, आपने सुना होगा, जनक महाराज की योग वाटिका, सुग्रीव जी की उपयोग वाटिका मधुबन और रावण की अशोक वाटिका। तीनों का अलग अलग स्वभाव मानस भी उसमें लिखा है। क्या है? योगी की वाटिका में सभी ऋतुओं के पक्षी एक साथ आनंद ले रहे हैं, सारे वृक्ष फलदार हैं, सारे झाड़ पुष्पित पल्लवित हैं, सभी वृक्षों में नवीन पल्लव लगे, लिखा है मानस। देखिए, नव पल्लव फल सुमन सुहाए, नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख ल जाए, निज आनंद कानन देव वाटिका चातक कोकिल कीरच को राचा, बिहग नटत कल मोरा, पूजत बिहग नटत कल मोरा, पूजत बिहग नटत कल मोरा, ऋतुओं के पक्षी एक साथ योगी के वाटिका। अर्थात महात्माओं का यहाँ भाव ये है, जो योगी रहेगा उसके जीवन में आने वाली छह ऋतुएं आनंदमय रहेंगी, उपयोगी रहेगा तो मध्यम मार्ग बना रहेगा, और जो भोगी रहेगा उसकी जीवन वाटिका अशोक वाटिका जैसी होगी। नाम अशोक है परंतु रावण के लिए वह वाटिका सशोक है। नाम से कुछ थोड़ी होता है, चाहे जो नाम रख लो तो क्या हो जाएगा, जीवन होना चाहिए। जीवन इतना शुद्ध हो सोचने का काम नहीं, जीवन जितना शुद्ध दिखे। बार बार प्रसंग आ जाता है, कथा का माध्यम है, हमें जीवन में, हमें, हम आपको नहीं कह रहे, हम अपनी बात कह रहे हैं, इसी में आप समझ लेंगे, श्री हनुमान जी साक्षी हैं। हमें अपने जीवन में दो बात निश्चित करनी होगी कि हमको कितना संसार के लिए जीने के लिए धन चाहिए और किस उम्र तक हमारी यात्रा इसकी होगी। दो बातें जीवन में तय हो जाए, भगवान भी सोचेंगे चलो यदि इसकी निश्चय आत्मक बुद्धि है इतना करते हैं, फिर बाद में तो मेरे साथ ही लग जाएगा। या तो उम्र तय हो जाए अथवा संसार की व्यवस्था कहाँ तक बढ़नी है ये तय हो जाए, नहीं तो इन दोनों का कोई अंत नहीं है। लगे रहो, कोल्हू के बैल की तरह विश्राम न मिलेगा। फिर मानव जीवन, अरे राम राम,
क्या कहें आप, किसी साधक ने यूं लिखा है, बड़ा बढ़िया गीत है ये, कि बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, गवाते गवाते उम्र पार कर, गवाते गवाते उम्र पार कर, खाने कमाने में आयु गवाए, खाने कमाने में आयु गवाए, यूं ही जिंदगी हमने बेकार चली, यूं ही जिंदगी हमने बेकार चली, अपना कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, तो ले मन सच्चे सद्गुरु की वाणी, तो ले मन सच्चे सद्गुरु की वाणी, लगे अपना जीवन सत्कर्म में,
बड़े भाग मानुष तन भावा। हमको आपको ये मानव का तन बड़े भाग्य से मिला है, जन्म जन्म के सत्कर्मों का फल ये मानव का शरीर है। चार प्रकार के जीव हैं धरती पर, देखिए डॉक्टर सीवी रमन साहब ने कहा है वृक्षों में भी जीव है, ये भी जीवधारी है, क्योंकि हम सांस लेते हैं ये भी सांस लेते हैं, हम गाते हैं ये भी गाते हैं, हम रोते हैं ऐसे मारिए ये भी रोते हैं, वृक्ष भी जीवधारी है। इसलिए आप में से बहुत सारे लोग कोलकाता से आए हैं, गुरुदेव रामकृष्ण जी एक दिन पुष्प उतार रहे थे माला बनाने के लिए मां को, किसी ने हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो, मां के लिए पुष्प उतार रहा हूं, फिर क्या करोगे, माला बनाऊंगा, किसको पहनाओगे, मां को, मैं तो पहनी हूं। ये प्रकृति के पुष्पों को मैं ही तो पहनी हूं, फिर तो क्यों उतार रहे हैं। और आप निश्चित मानिए इन पुष्पों पर जब तक हमारा आपका हाथ नहीं लगता है तभी तक के खिले रहते हैं, हाथ लगे ये बेचारे गए। सारे पुष्प प्रकृति में परमात्मा का श्रृंगार है, इनको कहीं सजाना नहीं है, ये तो सजे हैं। आप अपने घर की वाटिका देखिए, आहा, तुलसी जी का विरवा देखिए, जब तक हम स्पर्श नहीं करते हैं क्या हरियाली रहती है। संध्या और सुबह प्रणाम करने जाइए, माता कितनी मुस्कुराती रहती हैं, जैसे हमने हाथ लगाया गए दोनों। तो ये तत्व चेतन की बात है, हमारा जीवन चार प्रकार से होकर प्राप्त है, उद्भिज अपने आप जो चलाए, वृक्ष झाड़ आदि उद्भिज जो स्वतः उत्पन्न होते हैं, एक चार खाने हैं जीवों की, स्वेदज जो पसीने से प्रत्यक्ष होते हैं, कॉकरोच है, सिर में पड़ने वाले जुए हैं, गेहूं में पड़ने वाले घुन हैं, घर में उत्पन्न होने वाले चूहा आदि हैं, ये क्या है, अ तो ये स्वेद से उत्पन्न होते हैं, हम आप उनसे होकर आए हैं। उद्भिज स्वेदज एक क्रमशः वर्धन है, क्रमशः। अब अंडज जो अंडों से उत्पन्न होते हैं उनका नाम है अंडज। चौथा क्या है, जरायुज जो माँ के अंक से जन्म लेते हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठतम 84 लक्ष योनियों से अलग योनि है, उसका नाम है मानव योनि। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला, मनुष्य के तन में भगवान के भजन करने की चित्त में प्रवृत्ति आई, दूसरा, तीसरा, भगवत भजन करने की प्रवृत्ति में हम तीर्थ की ओर जाने लगे, पहुंच ही गए, आ ही गए, तीर्थ में बैठकर भगवान की कथा सुन रहे हैं। इस धरती पर हमसे आपसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा, चार सौभाग्य आपको बताया, मानव तन मिला, भगवत भजन करने का मन मिला, भगवत भजन करने चल पड़े तीर्थ में आकर और भगवान की कथा सुनने निकल पड़े, हमसे भाग्यशाली कोई नहीं। अपने सौभाग्य की बारंबार सराहना करनी चाहिए, प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, इसका अभ्यास कर लीजिए, बड़ी कृपा है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।